गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुपर्णा और आप देख रहे हैं इंटीरियर बाड़ी सोफा। आज का वीडियो ये डीआईवाई ट्रे के साथ है। एक्चुअल में मैं इसे बनाना चाहती थी कुछ, मगर बन गया कुछ और। मैं यहाँ पे तराजू ट्रे बनाना चाहती थी। इसके लिए मैं यहाँ पे ये कलरफुल सीमेंट चिप्स यूज कर रही हूँ। सीमेंट चिप्स को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कंटेनर में वाइट सीमेंट और पानी का एक पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसको तीन पार्ट में डिवाइड की हूँ और हर एक पार्ट में मैं अलग अलग कलर यूज़ की हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये पेस्ट को मैंने पॉलीथीन के ऊपर फैला दिया अच्छे से और छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद तैयार हो गया मेरा ये सीमेंट चिप्स। अब मैं एक स्टील का प्लेट ले रही हूँ, इसमें मैं अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब मैं सीमेंट का पेस्ट लूँगी, इसमें ये सारा चिप्स डाल के अच्छे से मिला लूँगी। मैंने यहाँ पे सीमेंट चिप्स बहुत कम डाला था, इस वजह से मेरा तराजू नहीं बना। मगर आप ये वाला गलती मत कीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट चिप्स इसमें यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे से प्लेट में फैला दूंगी और थोड़ा डैप डैप कर लूंगी जो चारों तरफ अच्छे से ये फैल जाए और एक लेवल बन जाए। अब ट्रे का हैंडल बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये फर्नीचर का हैंडल जो मैंने लोकल शॉप से खरीदी थी। तो चलिए इसे नया लुक दिया जाए। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जो मेरा तराजू ट्रे बना ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अभी कलर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्टेंसिल को इसके ऊपर रखूँगी। और इसके ऊपर मैं ये स्ट्रक्चर पेस्ट यूज करूंगी। देखिए कितना सुंदर बन गया है ना। अब थोड़ा स्ट्राइडिंग हो जाए। ये है फाइनल लुक।
आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।